अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। दिल वालों की दिल्ली आज बंद है, पैसे वालों की मुंबई और कभी भारत की राजधानी रहा कोलकाता भी। बेहद सुनियोजित तरीके से बनाया गया शहर चंडीगढ़ और धड़कनों में बसा फिल्म सिटी नोएडा भी सन्नाटे की जद में है। देशवासियों की यह एकता साबित करती है कि विश्व भले ही कोरोना से जंग लड़ रहा हो, लेकिन इस पर जीत भारत ही दर्ज करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील आज रंग लाई और जनता के लिए जनता द्वारा लगाया गया जनता कर्फ्यू पूर्णतः सफल रहा। क्या मुख्य सड़कें और क्या गली और क्या पगडंडी, सब और पसरा है सन्नाटा। विभिन्न कारणों से इन दिनों सुर्खियों में रहने वाला ऐतिहासिक मेरठ भी इस सन्नाटे से अछूता नहीं रहा। रोज की तरह ही सुबह हुई, इक्का दुक्का लोग दूध आदि के लिए सड़क पर नजर आए और फिर सभी स्वेच्छा से अपने घरों में दुबक गए। कारण साफ है, बिना लोगों के संपर्क में आए इस तरीके से ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है। आइए पहले सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह अपील जिसका आज सभी ने एक मत से समर्थन करते हुए दर्शा दिया कि मुसीबत की इस घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी दो दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। पीएम ने आज सुबह 7 से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, साथ ही 5 बजे सभी लोगों से अपनी बालकनी में खड़े होकर ताली और थाली बजाने की अपील की है। दरअसल ये उन लोगों के लिए हौसला अफजाई होगा जो इस संकट की घड़ी में आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि देश भर में बीती रात से ही कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जो एक चिंतनीय संकेत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80 के करीब नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रविवार सुबह तक पूरे देश भर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 348 हो गई है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां अभी तक 74 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई है। कोरोना से देश के 22 राज्य प्रभावित हैं। मेरठ में एक व्यक्ति को खांसी, जुकाम व सांस लेने में परेशानी होने पर इमरजेंसी में भर्ती किया गया है, जिसे देखते हुए मेरठ खासा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सारा सरकारी अमला सड़क पर उतर कर मॉनिटरिंग कर रहा है। हमारी सहयोगी राहुल हुड्डा की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए विश्व ने ही नहीं, अब भारत ने भी कमर कस ली है। और आपको बता दें कि इस समय हम मेरठ का दिल कहे जाने वाले शहर घंटाघर मेरठ में मौजूद हैं, जहां पर आप देख, अमूमन यहां पर भीड़ भाड़ का माहौल रहता है, सड़कें भरी होती है, जाम लगा होता है, लेकिन आज यहाँ सड़कें एकदम खाली हैं, वाहन नहीं हैं, गिने चुने वाहन यहाँ से जा रहे हैं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की अपील थी कि जनता कर्फ्यू यानी कि जनता खुद अपने घर में रहे, घरों से बाहर ना निकले, और शायद जनता ने उस अपील को मान लिया है। उसी का ये नतीजा है कि सड़कें एकदम खाली हैं। ये मेरठ में, मेरठ शहर का दिल कहे जाने वाले शहर घंटाघर पर हम मौजूद हैं इस समय। आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नज़रें जाएंगी, शहर बिल्कुल, सड़कें बिल्कुल खाली हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, नाम के लिए केवल वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो मतलब यही है कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की दहशत से जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, लोग घरों से बाहर अब शहर में या मेरठ में नहीं निकल रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मेरठ का दिल कहे जाने वाले शास्त्री नगर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहां तक भी कैमरा जा पा रहा है, मैं आपको बता दूं सड़कें खाली हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसका कारण है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से की गई, जनता से की गई जनता कर्फ्यू के लिए अपील। उसी का नतीजा है कि लोग समझदारी दिखा रहे हैं, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो किसी कारणवश या किसी ज़रूरी काम के चलते सड़कों पर आ रहे हैं, उन्हें भी पुलिस प्रशासन रोकने की, समझाने की और सही हिदायत देने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये PVS मॉल के सामने की जो सड़क है बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है, दूर तलक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सड़क पर फोकस करें, पूरा दिखाए जगह को जो खाली पड़ी है सड़कें। आप देख सकते हैं कहीं भी दूर तलक भी इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई दे रहे हैं। ये केवल और केवल कोरोना का जो दहशत है लोगों में, जो कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बरपा है, उसी का नतीजा है कि दहशत भारत में भी फैल चुकी है। और इस दहशत को रोकने के लिए, इस महामारी कोरोना जैसी महामारी पर कंट्रोल करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो जनता के हित में है और जनता को ही इससे फ़ायदा होना चाहिए, जनता को ही इससे फ़ायदा होगा। तो मैं अपील करूंगा सभी से कि जनता भी इस बात को समझे और वो जागरूक बने, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करें, खुद को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और सहयोग करें पुलिस प्रशासन को, सरकार को, जो कोरोना से लड़ाई लड़ने में जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ राहुल हुड्डा, FirstBite.TV। इस बीच भले ही पूरा देश जनता कर्फ्यू के रूप में पीएम मोदी के साथ खड़ा हुआ है, वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 3 माह से विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ एक गुट बराबर कोरोना के चलते विरोध प्रदर्शन स्थगित करने की बात कर रहा है तो दूसरा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ये लोग बराबर इस्लाम को बीच में लाकर बोलते नजर आ रहे हैं कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल शाहीन बाग में धरना जारी है। उधर राजस्थान के CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूरे सूबे को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सभी बाजार प्रतिष्ठान व सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और रोडवेज समेत सार्वजनिक परिवहन पर भी पाबंदी लगाई गई। इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।